जैसा कि आप सभी को पता है, चार नए लेबर लॉज आ रहे हैं जिन्हें हम लेबर कोड्स के नाम से जानते हैं। इन सभी लेबर कोड्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना रहा हूं और साथ में जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं जिसकी की लिस्ट में यहां पर आपके सामने दे रहा हूं, ये सारे जो लेबर लॉज हैं इनके भी डिटेल वीडियोस में इसी चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो ये सारे लॉज, जितने भी वीडियोस हैं, ये एचआर मैनेजर और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी हेल्पफुल हैं, साथ में कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस देन मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड ऑल्सो क्रिएट अ प्लेलिस्ट गिविंग अ नेम लेबर लॉस, और उसमें सारे वीडियोस आप सेव करें उस प्लेलिस्ट में, तो कभी भी आपको ये देखना है वापस से तो वो आप देख सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शांतनु, योर कोच, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द नेम ऑफ दिस एक्ट इज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। काफी पुराना ये एक्ट है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, और ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स। इसकी जो इफेक्टिव डेट है दैट इज ऑन 1 जून 1927 को ये इफेक्टिव हो गया है ये एक्ट। देर आर टोटल 33 सेक्शंस एंड विच आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउ लेट्स सी द रेगुलेशंस। इस एक्ट के कुछ रेगुलेशंस भी हैं। तो नाम है इस रेगुलेशन का सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेगुलेशन 1938। सो देर आर टोटल 17 रेगुलेशंस इन दीज रेगुलेशंस एंड दिस विल अप्लाई टू ट्रेड यूनियंस हुज ऑब्जेक्ट एक्सटेंड टू मोर देन वन स्टेट। तो याद रखना, अगर कोई ट्रेड यूनियन है उसका जो ऑब्जेक्ट है केवल वन स्टेट में ही लिमिटेड है, वो एक ही स्टेट में काम कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट लिमिटेड टू वन स्टेट है, तो ये रेगुलेशन नहीं लगेंगे। लेकिन एक स्टेट से भी ज्यादा, स्टेट टू पे भी वो काम कर रही है एक से ज्यादा स्टेट पे, तो ही ये रेगुलेशंस लगेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ देर आर 4 फॉर्म्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दीज रेगुलेशंस, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फॉर्म ए इज फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्मेट दिया है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। फॉर्म बी इज फॉर रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी एक रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेगा, उसका फॉर्मेट है फॉर्म बी में। फॉर्म सी कंटेन द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो होगा फॉर्म सी में। फॉर्म डी इज फॉर्मेट ऑफ एनुअल रिटर्न, हर साल आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, उसका फॉर्मेट है फॉर्म डी में। अब हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कोई ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर करना है अपने आप को, तो वो रजिस्टर कर सकती है अंडर दिस एक्ट। देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर फंड उसका कैसे यूज होगा, ये सभी बातें इसमें कवर हैं। इट गिव्स द लीगल एंड कॉरपोरेट स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अलग तरह की एंटिटी आपको मिलती है रजिस्ट्रेशन के बाद, विच विल बी लीगल एंटिटी, एंड उसका कॉरपोरेट स्टेटस होगा उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन के बाद, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। जो भी उसके ऊपर केस फाइल होंगे ट्रेड यूनियन, वो उसको ठीक से हैंडल कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को। साथ ही साथ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली द यूनियन ऑफ वर्कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड यूनियन जब हम बोलते हैं तो हमको लगता है वर्कर्स की यूनियन, ऐसा नहीं है। इवन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर के ऊपर भी ये एक्ट लगता है, यानी एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो यूनियन ऑफ वर्कर या फिर एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर, बोथ will be covered under this act. This act extends to whole of India. ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसमें कुछ definitions, कुछ खास important definition है
जो एग्जाम में आ सकती है वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है एग्जीक्यूटिव अंडर सेक्शन 2A। एग्जीक्यूटिव का मतलब है बॉडी जो मैनेज करती है अफेयर्स, किसके? ट्रेड यूनियन के। तो ऐसी बॉडी जो ट्रेड यूनियंस के अफेयर्स को मैनेज करेगी, ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन्स, उनको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। इसके बाद इन्होंने बोला है ऑफिस बेयरर्स, तो सेक्शन 2B में ऑफिस बेयरर बताए हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इट इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इट इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बट डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर। तो जो बॉडी में, जैसे हमने देखा था एग्जीक्यूटिव की बॉडी होगी, तो ये जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं इनको तो ऑफिस बेयरर माना ही है, इंक्लूसिव इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इट सेज दैट ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिस बेयरर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब इन्होंने बताया है 2D में, मींस द ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ हेड ऑफिस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस रहेगा, हेड ऑफिस, जो उसने अपना नाम दिया है, हेड ऑफिस का एड्रेस दिया है, उसी को हम बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन। इसके बाद इन्होंने बोला है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है। सेक्शन 2E में इन्होंने सिंपली बोला है कि ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 2E। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2G। ट्रेड डिस्प्यूट का इन्होंने मतलब बताया है, सबसे पहले मींस एनी डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट तो इसकी प्री रिक्विजिट है, डिस्प्यूट बिटवीन। अब ये डिस्प्यूट किसके बीच हो रहा है, तो पहले ये बोलते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच हो रहा है, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन आपस में ही देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कमैन, उसको भी डिस्प्यूट बोला गया है, ट्रेड डिस्प्यूट। इसी के साथ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यानी दो एम्प्लॉयर के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो भी ट्रेड डिस्प्यूट माना गया है। अब ये जो डिस्प्यूट है ये पर्सनल नेचर का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, दिस डिस्प्यूट शुड बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही है ये डिस्प्यूट, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर आप उसको रख रहे हैं किसी एम्प्लॉई को या वर्कर को, तो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिस्प्यूट है, या कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन, कंडीशन ऑफ लेबर यानी किस हालात में वो काम कर रहा है लेबर, उसके ऊपर ये डिस्प्यूट है, तो ऐसे केसेस में इसको ट्रेड डिस्प्यूट माना जाएगा। याद रखना है पर्सनल नेचर का डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट में नहीं आएगा। इसके बाद इन्होंने इसी डेफिनेशन में वर्कमैन को भी डिफाइन कर दिया है। वर्कमैन मींस ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन अ ट्रेड और इंडस्ट्री, तो जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं किसी ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में, उन सभी को वर्कमैन माना गया है, वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयर विथ हुम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस। तो ये एक तरह से इन्होंने बता दिया है कि कोई पर्सन है, लेट्स से दिस पर्सन ही इज हैविंग अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट किसके साथ है, एम्प्लॉयर के साथ नहीं है लेकिन किसी वर्कमैन के साथ हो सकता है या किसी और पर्सन के साथ हो सकता है इस इंडस्ट्री के। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि एक पर्सन जो इस ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है तो इतना काफी है उसको इस वर्कमैन की डेफिनेशन में लेने के लिए। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन जो दे रखी है 2H में। यहां पे कीवर्ड याद रखना, इट्स अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन चाहे वो टेम्पररी कॉम्बिनेशन हो या परमानेंट कॉम्बिनेशन हो, विच इज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन, रिश्तों को रेगुलेट करने के लिए। अब किस रिश्तों को? रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन वर्कमैन एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, तो ये जो रिश्ते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बना हो, एंड और इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन
ऑन कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। तो ये जो कंडक्ट होगी ट्रेड और इंडस्ट्री में जो भी आप कंडक्ट करते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाने के लिए ये फॉर्म हो सकता है कॉम्बिनेशन। एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस। तो दो ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन T1 हो गई, दूसरी ट्रेड यूनियन T2 हो गई। अब इन दोनों का फेडरेशन अगर मिला दें तो ये अपने आप में भी एक अलग ट्रेड यूनियन मानी जाएगी। नाउ लेट सी द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसी ट्रेड यूनियन का इस एक्ट में कैसे होगा, लेट सी। मान लीजिए यहां पर एक ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इसको इस एक्ट में रजिस्टर करना है। So at least 7 or more members of such trade union by subscribing their names to the rules of trade union. तो इस trade union के जो rules होंगे उसमें at least 7 या more members of this trade union should subscribe their name to this rule and by complying the provision of this act इन रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार को इस एक्ट में रजिस्टर्ड कराने के लिए। लेकिन आपको एक बात याद रखना है यहां पर, नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस। तो एक कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अनलेस 10% ऑफ वर्कमैन और 100 वर्कमैन whichever is less engaged or employed in an establishment or an industry. तो let's say यहाँ पर कोई establishment है या कोई industry है, उस establishment या industry में भी लोग काम कर रहे हैं, workmen काम कर रहे हैं, इस establishment या industry के जो total workmen है उसके at least 10% या फिर 100 whichever is less are connected members to such trade union. तो इतने लोग इस ट्रेड यूनियन से अगर कनेक्टेड हैं ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, देन ओनली दिस ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेलिटीज फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने देखा conditions और अब आपको एक application देनी पड़ेगी। The trade union should give the application to the registrar, which is prescribed under this act, and this application shall accompany the copy of rules of trade union and a statement. तो एक copy of rule attach करना है और साथ में statement देना है। Statement में आपको general बातें बतानी है, like name, occupation, address of the members who are making the application. इसी के साथ ट्रेड यूनियन, इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन अगर है तो नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का नाम बताना है, एंड एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाएगा इस ट्रेड यूनियन का। इसके साथ ही टाइटल्स, names, age, address and occupation of the office bearers of the trade union भी आपको देना information। इसी के साथ एक important बहुत जो exam में भी आता है question, अगर कोई trade union जो registration के लिए जा रही है already existence में है for more than one year before making such application, there shall be verified by the to the registrar together with the application, एक statement भी देना पड़ेगा, statement of assets and liabilities of the trade union in the prescribed form। तो ये जो assets and liabilities की statement देनी है ये किसके ऊपर applicable है, ऐसी trade union जो already existence में है for more than one year, उसी को ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोविजन कंटेंट इन द रूल्स। हमने देखा था रूल्स की एक कॉपी भी देना है, तो रूल्स में क्या क्या होना चाहिए ये यहां पर बताया, यानी ये तो रूल्स में प्रोवाइड होना ही चाहिए। द ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी एंटाइटल
टू द रजिस्ट्रेशन अनलेस एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, यानी आपको एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, बॉडी ऑफ मैनेजमेंट, वो एज पर दिस एक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ द रूल्स ऑफ दिस ट्रेड यूनियन मस्ट प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग मैटर्स. सबसे पहला है नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन देना पड़ेगा आपको रूल्स में. सेकेंड प्रोविजन होना चाहिए रूल्स में ऑब्जेक्ट, कि ये ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये भी रूल्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसी के साथ जो जनरल फंड होगा इस ट्रेड यूनियन का, उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, ये भी इन रूल में होना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर, तो जितने भी मेंबर्स होंगे इस ट्रेड यूनियन के, उसकी लिस्ट ऑफ मेंबर्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. एंड दिस लिस्ट ऑफ मेंबर्स शुड बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू द रजिस्ट्रार. एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर, किस तरह से आप किसी मेंबर को एडमिट करेंगे, ये भी इसमें देना पड़ेगा. ऑल्सो द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस कितनी लेंगे आप मेंबर से, वो भी देना पड़ेगा. साथ में अगर कोई फाइन लगाना है आपको या फोरफीचर करना है, तो वो उसके रूल्स भी आपको इसमें देने पड़ेंगे, फाइन्स एंड फोरफीचर. एंड द मैनर इन विच दीज रूल्स कैन बी अमेंडेड, वैरिड और रिजाइंडेड, ये भी मैनर किस तरह से रूल्स को आप अमेंड कर सकते हैं, ये भी रूल्स में लिखा होना चाहिए. साथ ही साथ मैनर इन विच द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द ऑफिस बेयरर शैल बी इलेक्टेड, तो उनका चुनाव कैसे होगा ऑफिस बेयरर्स का और एग्जीक्यूटिव्स का, और साथ ही साथ उनको कैसे निकाला जा सकता है, ये भी आपको मेंशन करना है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मेंबर्स दैट इज विल बी इलेक्टेड एज अ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर, उनकी जो ड्यूरेशन होगी इट शुड नॉट बी मोर देन 3 years. तो जो भी एग्जीक्यूटिव आप अपॉइंट करेंगे या ऑफिस बेयरर, उनकी जो टेन्योर होगा, ड्यूरेशन होगी, मैक्सिमम 3 years होगा, ये आपको रूल्स में मेंशन करना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है. द सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स, आपको जो फंड्स हैं इसके ट्रेड यूनियन के, उसकी सेफ कस्टडी किस तरह होगी, ये भी रूल्स में देना है. और एनुअल ऑडिट किस तरह से होगा इसके अकाउंट्स का, ये भी रूल्स में मेंशन होना चाहिए. एंड लास्टली द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन मे बी डिसॉल्व, तो अगर लास्ट में अगर आपको डिसॉल्व करना है, बंद करना है ट्रेड यूनियन, तो उसका प्रोसीजर भी इस रूल्स में मेंशन होना चाहिए. नाउ लेट्स सी सेक्शन 9 विच टॉक्स अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Once you make the application, you give the copy of rules and all the information, then once the registrar is satisfied about the provisions have been complied by this trade union for registration, then the registrar on being satisfied will issue a certificate of registration in the prescribed form, and this certificate of registration will be a conclusive evidence that the trade union has been duly registered. It is just like a birth certificate of a person. So, ek baar aapne ye certificate produce kar diya, iska matlab this union, trade union, is a registered trade union and it exists. Ye iska conclusive evidence hoga, certificate of registration. Now, let's see incorporation of a registered trade union. Every registered ट्रेड यूनियन शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी एक अलग पहचान होगी इसके मेंबर्स के अलावा, इट विल बी ए सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद. सो इट विल हैव अ बॉडी, इट विल हैव अ स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इट विल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है ये चलती जाएगी, चाहे इसके मेंबर्स आए या जाए, द कॉर्पोरेशन दैट इज द बॉडी कॉर्पोरेट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. It will have its own common seal. इसका अलग से एक common seal होगा. It can hold the property, both immovable property या movable property. It can hold its own name. It can enter into a contract. ये trade union contract कर सकती है दूसरों के साथ. And साथ ही साथ it can be sued and can be sued. It can file a suit against anybody and all other person can also file a suit against the trade union. This is the status of body corporate, it will get after the registration. Iske baad dekhte hain cancellation of registration. So there are grounds on which registrar may cancel the certificate of registration. So these are the ground you have to remember.
तो पहला ग्राउंड है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ने खुद ने ही एप्लीकेशन दे दी कि इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए, तो रजिस्ट्रार में कैंसिल। सेकंड पॉइंट है इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट वॉज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और मिस्टेक, देन ऑल्सो ही कैन कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इफ ही फील्स दैट इट सीज टू एग्जिस्ट, यानी अब वो कोई बचा ही नहीं है उसमें मेंबर, सीज टू एग्जिट, देन ऑल्सो इट कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। और हैज विलफुली कॉन्ट्रावेंटेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स, इस ट्रेड यूनियन ने जानबूझ के इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है या रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो भी रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और देर आर सर्टेन रूल्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या ऐसे कोई रूल्स ट्रेड यूनियन ने अपने रूल्स में ले लिए जो कि इस एक्ट से मैच नहीं होते, इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसे केस में भी कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रार इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और हैज रिजाइंडेड एनी रूल्स विच आर मैंडेटरी, या ऐसा रूल उसने हटा दिया है अपने रूल्स में से जो कि जरूरी था इस एक्ट में उस रूल का होना, तो ऐसे केस में भी रजिस्ट्रार कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इफ द रजिस्ट्रार्ड इज सेटिस्फाइड दैट द ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन सीज टू हैव रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स, साथ ही साथ अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इस ट्रेड यूनियन में नहीं है, तो ऐसे केस में भी ट्रेड यूनियन के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है। Now let's see the provision related to filing of return. It is given under section 28. As per section 28, every trade union, registered trade union, should file annually a return which contain a general statement which should be audited. General statement should be relate to all receipt and expenditure. जो भी उसको प्राप्तियां हुई है और जो भी खर्चे हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड एंडिंग ऑन 31st of December, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो ईयर एंड होगा, जिस ईयर से रिलेटेड आपको ये रिसीट एक्सपेंडिचर देना है, दैट शुड बी 31st December। इसी के साथ आपको एक स्टेटमेंट भी देना है, दैट इज चेंजेस इन द ऑफिस बेयरर, अगर ऑफिस बेयरर में कुछ पोजिशंस में चेंजेस हुए हैं तो वो भी इस रिटर्न के साथ आपको देना है। And the copy of rules updated till the date of dispatch, ये भी important है, 31st December की बात नहीं कर रहा है, जो copy of rule आपको attach करनी है इस return के साथ, it should be updated till the date of dispatch of this return to the registrar। मान लीजिए ये आपने dispatch किया है 31st January को और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो है 31st दिसंबर तक की, तो यहाँ पर अगर कोई चेंजेस हुए हैं रूल्स में या ऑफिस बेयरर्स में, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन अपडेटेड फाइल करनी पड़ेगी विद द रजिस्ट्रार। इसी के साथ अ कॉपी ऑफ एवरी अल्टरेशन, अगर आप कोई भी अल्टरेशन करते हैं रूल्स में, देन इट शुड बी फाइल विद द रजिस्ट्रार सेपरेटली विद इन 15 डेज। जब कभी भी अमेंडमेंट होता है रूल्स में, यू हैव टू फाइल अ कॉपी ऑफ रूल्स, अपडेटेड रूल्स विद इन 15 डेज ऑफ द अल्टरेशन। नाउ द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट इन दिस इज दैट इंस्पेक्शन, दैट रजिस्ट्रार विल हैव अ पावर टू इंस्पेक्ट ऑल द अकाउंट्स बुक्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग ऑल रीजनेबल टाइम। So all reasonable time he can inspect. Reasonable time का मतलब है reasonable. He cannot go in the midnight, 1 o'clock like that. So reasonable time में registrar can inspect the documents of the registered trade union, and he can go there at the registered office of trade union and can inspect there all the documents, or he may require trade union to produce such document at such a place, या वो ऐसा बोल सकता है ट्रेड यूनियन को, नहीं इस प्लेस पे आके मुझे प्रोड्यूस कीजिए डॉक्यूमेंट, बट दिस प्लेस शुड नॉट बी फार देन 10 miles फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड हियर,
तो ये कौन सी प्लेस पे प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है विद इन 10 miles, याद रखना है किलोमीटर नहीं है यहां पर, माइल्स है, पुराने जमाने का एक्ट है इसलिए माइल्स यूज होता था। सो विद इन 10 miles के डिस्टेंस पे किसी भी प्लेस पे रजिस्ट्रार कैन आस्क टू प्रोड्यूस दोज डॉक्यूमेंट।